हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबके लिए फिर से ढोकले की रेसिपी लेकर आई हूं, क्योंकि मेरे कुछ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स ने मुझे इस रेसिपी को डिटेल में बताने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, मैंने यहां पे जितने दाल चावल की क्वांटिटी ली है, इतने में 5 थाली ढोकले बनकर तैयार हो गए थे। मैंने यहाँ पर 3 कटोरी चावल, 1.5 कटोरी चने की दाल और थोड़ी सी सफ़ेद उड़द दाल ली है। इसे अच्छे से धो लेना है और पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए भिगा के रख देना है। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हमें दाल चावल से पानी को पूरा अच्छे से निकाल देना है और 1 बॉल जितनी हमें इसमें दही डालनी है। आप चाहे तो इसमें खट्टी दही भी डाल सकते हैं, या करीब करीब 250 ग्राम दही है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 6 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैंने ओवरनाइट ही इसे रखा था। अब मिक्सी जार में इसे डालेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। देखिए ये अच्छे से पीस चुका है, एकदम चिकना नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दाल चावल को पीस लिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, यह ना ज़्यादा थिक है और ना ही यह पतला है। अब हमें 1 थाली के जितना बैटर इसमें से अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पूरे बैटर में एक साथ कुछ भी नहीं मिलाना है, हमें एक एक थाली में मिलाना है और पकाते जाना है। पानी को उबलने के लिए रख देना है, थाली में तेल लगा के भी हमें पहले से ही रख देना है। अब हम बैटर में नमक, थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें बैटर में थोड़ी सी सोडा, 1/2 पैकेट इनो डालकर अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करना है। देख सकते हैं आप आटा कितना फूल गया है, फ्लफी हो गया है। अब हम इसे थाली में डालेंगे और इडली के सांचे में डालकर पका लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इडली का सांचा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलती है और हमारा ढोकला अच्छे से फूल जाता है। इस तरीके से हमें इडली के सांचे में रिंग रखनी है, फिर थाली रखनी है और ढक्कन लगा के 10 मिनट तक हाई फ्लेम में इसे पकाना है। जब तक हमारे ढोकले पकते हैं, हम इधर से तड़का तैयार करते हैं। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, सरसों, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता डालकर 1 मिनट तक के पका लेंगे। 1 ग्लास पानी डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा ढोकला बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ढोकले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे। आप जिस शेप में कट करना चाहे आप कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने हमारे चावल होंगे उसका 1/2 ही चने की दाल लेनी है। कट करने के बाद जो हमने तड़का तैयार करके रखा था उसे हमें इसमें डाल देना है, ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेना है। यह रेडी है हमारे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट ढोकले। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा यह कितने अच्छे बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।